मिला हमने नहीं, और रवि नायक जी और इसके बैठे तमाम ही रिस्पेक्टेड भाइयों और सामने बैठे बहनों और साथियों, 11 दिसंबर 2019 को सीए को पास किया हुकूमत ने, और बहुत कागज उठाकर और हाथ लहरा कर हमेशा टेक्नोलॉजी बताते रहे और एक्ट को पास करा लेंगे। वो समझते थे कि जिस तरीके से तलाक के इशू पर, 370 पर और बाबरी पर चीजें जिस तरीके से हो रही हैं, तो शायद ऐसी आसानी से वो सब चीजों को रोंग कर निकल जाएंगे। लेकिन सीए ने उनके घमंड को ना सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि जिन खवातीन को, जिन औरतों को उनके दूसरे साथी योगी जी और अमित शाह जी शुमार करने तैयार नहीं थे, आप देख रहे हैं कि दो दिन से अमित शाह जी कहते हैं कि अगर शाहीन बाग की खवातीन आती है तो बात की जा सकती है। खवातीन की इस ताकत को अमित शाह को मानने की मजबूरी हम देख रहे हैं। वो योगी जिन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों ने औरतों को आगे कर दिया, तो वो योगी भी पूरा आकर दिल्ली के इलेक्शन में शाहीन बाग करके चले गए। लेकिन बीजेपी को क्या मिला वो आपके हमारे सामने है। तो मैं इन इश्यूज पर एक दो मिनट में आने से पहले अपनी बहनों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक दो बातें कहते हुए आगे बढ़ता हूं कि पहले तो मैं वो योगी और मोदी से कहता हूं जो खवातीन का एहतराम शायद उन्होंने सीखा ही नहीं है, और इसी वजह से वो खवातीन की ताकत को रिकॉग्नाइज नहीं कर सके। तो अगर मैं उन्हीं की भाषा में कहूं तो वो दुर्गा जी को जानते हैं, दुर्गा देवी को, कि जब कोई ब्रह्मा विष्णु और महेश जो है महिषासुर का वध नहीं कर सके, तो उस वक्त वो फिर नारी शक्ति थी जिसने फिर वो महिषासुर का वध किया था, उसको अलग किया था। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो बात कही गई कि आज मेजर चैलेंज के तौर पर जो ताकत सामने आई है वो हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी माओ की ताकत सामने आई है, और हम ना सिर्फ उसको सलाम करते हैं बल्कि वादे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि माँ को हैसियत रखती है कि जो अपने बच्चे को उसको परवान चढ़ाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए खुद को पूरा कर देती है, पूरा खाना कर देती है, अपने बच्चों को परवान चढ़ाती है। और आप अगर उनकी नस्लों को चैलेंज करेंगे, उनकी नागरिकता को चैलेंज करेंगे, उनकी सिटीजनशिप को चैलेंज करेंगे, तो ये मोर्चे, ये धरने, ये एहतजाज, ये वक्त ही नहीं हो सकते। ये एहतजाज उस वक्त तक चलेंगे जब तक सीए वापस नहीं होता, ये एहतजाज उस वक्त तक चलेंगे जब तक एनपीआर ने विड्रॉ नहीं करते। हम सेंसस के मुखालिफ नहीं है, सेंसस पहले भी होता रहा, सेंसस के साथ मिलाकर नकाब ओढ़कर एनपीआर मत कीजिए मोदी जी, सेंसस करना है सेंसस कीजिए, लेकिन एनपीआर जोड़कर सेंसस की आड़ में मत कीजिए। ये जो निजाब पहनते हैं ना तुमने, तुम्हारी मिजाज के लोग जो निकाब से तो डरते हैं लेकिन जेएनयू में जाते हैं तो तुम्हारी ये नस्लें जो बहुत खुद को बहादुर समझती है, एबीवीपी वगैरह, ये नकाब पहनकर पहुंचती है। तो आप ऐसे नकाब मत ओढ़िए एनपीआर के नाम पर, ऐसे नकाब मत ओढ़िए, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए कि आप उसके आड़ में एनआरसी चाहते हैं, एनआरसी आपने अगर कहा है कि लागू नहीं कर रहे हैं तो कानून के जमाने में बोलिए लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी करता हूँ और हमारे बॉम्बे के भाइयों से करता हूँ कि अवार्ड जी भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहे, वो मुख्तलिफ प्रोग्राम में सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके आभारी हैं। आज थोड़ा सा भी आने वाले थे लेकिन यहाँ पर जो है जो स्टेटमेंट है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज्यादा हम उद्धव जी से इस बात की अपेक्षा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं कि वो टेक्निकली लीगली ये स्टैंड लेके एनपीआर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जिस तरीके से केरला और बंगाल की गवर्नमेंट ने इस एक्ट से
का विरोध जताते हुए आर्टिकल 131 के तहत सूट दाखिल किया है। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं और अपने साथियों से अपील करते हैं कि इन धरनों के साथ साथ इस हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि वो लीगली इसको डिस्प्यूट करने के लिए उसको मोबिलाइज करें। ये चीज होती है तो ये ज्यादा सॉलिड होती है, वरना आखिरी एक दो बात इसी पे कहते मैं जगह अपनी जगह ले रहा हूँ। पहली बात यह है कि ये अगर जगह टारगेट मुसलमान है लेकिन इसका निशाना सारे SC ST OBC है। इसलिए हमारे और साथियों ने बात की थी, हम उसे भी विनती करते हैं कि ये जो मोबिलाइजेशन है बड़े पैमाने पर और कम्युनिटीज का होना चाहिए। सब कम्युनिटीज मिलकर कागज नहीं दिखाएंगे तो उसमें ताकत आएगी। एक कम्युनिटी से आप एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको फिर आप कुछ चीजों की तरफ पुश करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट भी है कि और कम्युनिटीज हम भी कोशिश कर रहे हैं, सब कोशिश करें कि आए, इसलिए कि हर वीकर सेक्शन इसका शिकार होगा। ये रिक्वेस्ट के बाद आखिरी रिक्वेस्ट करते हुए मैं खत्म करता हूँ कि लड़ाई हमको आगे तक लड़नी होगी, इसलिए कि नागरिकता जाने का मतलब ये है ना आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ना वीजा है, ना हज है, ना उम्रा है, बल्कि कोई किसी को कत्ल कर दे, किसी को रेप कर दे, उसको कोई अधिकार नहीं है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। हम ऐसा कोई अधिकार नहीं खो सकते और हम इनके हमारा हक है और ये पावन है कि हमारा ऐसा कोई अधिकार न छीने। इनको अधिकार अपने ये टैक्स वापस लेना होगा और ना इनको गुद्दी गद्दी में रहने का कोई इस्तेफा नहीं होगा।